नमस्कार, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आरडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्टे होम, स्टे हेल्थ ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, अभी जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो है साईं बाबा के लिए आपकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जी हाँ, साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम साईं राम। चलिए हम सब मिलके साईं बाबा का नाम लेते हैं, ओम साईं राम। तो उनकी तरफ से वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, ये हम आज आप रीडिंग करने वाले हैं। तो आज की जो हमारे लिए रीडिंग है उसमें हमारे पास हैं तीन पाइल्स। ठीक है, हमारे पास है पाइल नंबर 1, इट्स टाइम टू बैलेंस ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट पाइल, दिस ग्रीन कलर कार्ड। एंड पाइल नंबर 2, this MP4 player, and pile number 3, this English lavender essential oil, बहुत ही healing energies होती हैं इसकी, calming energies होती हैं इसकी, बहुत अच्छी fragrance होती है इसकी। तो और ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है music चलता है इसमें। Okay, चलिए fine। ये आपको breakfast के लिए अच्छा balance breakfast को balance करने के लिए आपको याद दिला रहा है। इसको आप लगा के रखिएगा, ऐसा कुछ नोट लगा के रखिए ताकि आप अपना ब्रेकफास्ट बैलेंस कर सकें। तो चलिए, आपने अगर चूज कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, देखते हैं इस टाइम टू बैलेंस ब्रेकफास्ट आपके लिए साईं बाबा की क्या गाइडेंस है। लर्निंग, लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर। आपको अगर कोई डिफिकल्ट लोग मिलते हैं, चैलेंजेस मिलते हैं, तो वो आपके लिए एक लर्निंग है, आपके लिए लेसन है जो आपने सीखना है, उस सिचुएशन से सीखना है, उस सिचुएशन से घबराना नहीं है, डरना नहीं है और आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिफिकल्ट लोग हैं, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस है, यही आपको आगे जिंदगी में बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। फिर हमारे पास है सोल ग्रुप, इफ अ पर्सन फ्रॉम द सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। अगर आपको कोई पर्सन हेल्प करना चाह रहा है किसी सिचुएशन में, तो उसकी हेल्प एक्सेप्ट कीजिए, वो आपकी सोल फैमिली से है। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। आपका आपको जो लाइफ पर्पस है, अगर आप जानना चाहते हैं क्या है, तो वो है टू बी टेकिंग केयर ऑफ ह्यूमंस, टेकिंग केयर ऑफ पीपल, वर्ल्ड, एनिमल्स। ठीक है, थ्रू योर हीलिंग एनर्जीज। ठीक है, बिकॉज टू टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका लाइफ पर्पस है। कैसे? थ्रू बीइंग अ लाइट वर्कर। लाइट वर्कर कौन होते हैं? जो हीलर्स होते हैं, जो टैरो रीडर्स होते हैं, वो लाइट वर्कर्स होते हैं। जो साइकिक्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, वो लाइट वर्कर्स होते हैं। हीलर्स, टैरो रीडर्स, ये साइकिक्स है, लाइट वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइफ पर्पस है। अगर अभी तक आपने चैनलाइज नहीं किया है, तो ये अब आपका टाइम है कि आप चैनलाइज करिए। और अगर आप हैं ऑलरेडी और इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अगर आप में टैलेंट, अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो ये आपको एनकरेज कर रहा है कि आपको इसको सीरियसली लीजिए, आपका लाइफ पर्पस है ये। आपने नोटिस किया होगा कि लोग आपके आसपास, एनिमल्स हों या बच्चे हों, या आपके आसपास आते ही बहुत ही आपसे मतलब क्लिंग हो जाते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत ही इफेक्शन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है। फिर हमारे पास है बी असर्टिव, बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज। ये साईं बाबा की आईज हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको हमेशा देख रही हैं, आपका ध्यान रख रही हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपने हक के लिए बोलने के लिए बहुत मुश्किल होता है, अगर आप बोलते भी हो तो भी आप इस तरह से बोलते हो कि सामने वाले पे कोई असर ही नहीं होता है, तो आपने इस तरह से अपनी बात को रखना है, चुप नहीं बैठना है, अपने हक के लिए बोलिए और इस तरह से बोलिए, इतने कॉन्फिडेंस से, इतने फर्म होके बोलिए कि देखिए, कॉन्फिडेंस से बोलना है, मतलब एरोगेंस से नहीं बोलना है, फर्क है दोनों में। कॉन्फिडेंस से बोलिए, ठीक है, कि सामने वाला को आपकी बात माननी ही पड़े, इस तरह से, इस फर्मनेस से बोलिए, इस विश्वास के साथ बोलिए। विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके उसको आपकी बात सुननी ही पड़े, माननी ही पड़े, और कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, सही बात होनी चाहिए। तो ये है पाइल नंबर 1। ठीक है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज ऐड टू दिस फैमिली, योर प्रेशियस जूल ऑफ दिस फैमिली, तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, आई लव यू ऑल। आप लोग उस नेकलेस के हीरे हो और मोती हो जो इस फैमिली को कंप्लीट बनाते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।
सो एंड विल मूव ऑन टू पाइल नंबर टू. जिन्होंने पाइल नंबर टू सेलेक्ट करा था, ठीक है, दिस MP4 प्लेयर, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है. यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन. साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है, तो साईं बाबा आपके साथ हैं हमेशा. साईं बाबा आपके साथ हमेशा हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं. अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है तो आप आंखें बंद करके एक बार फील कीजिए कि आप उनके साथ हैं, वो आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं, आपको खुद फील होगा. फिर हमारे पास है वाउज एंड प्रोमिसज, फुलफिल द वाउज एंड प्रोमिसज मेड बाई यू एंड योर फैमिली. अगर आपने कहीं मन्नत मांगी थी, कोई प्रॉमिस करा था भगवान से मंदिर में कि मैं ये करूँगा ये करूँगा, आपकी फैमिली ने किसी ने प्रॉमिस किया था मंदिर में भगवान से, तो वो प्रॉमिस पूरा करिए. उस वो पूरा नहीं हुआ है, उस वजह से कोई प्रॉब्लम आई है आपके परिवार में, आपके लाइफ में. अब याद कीजिए कि वो क्या है, ठीक है. अगर नहीं भी है, अगर आपको नहीं भी याद है, तो आप अपने घर से कुछ प्रसाद, आलू पूरी कुछ प्रसाद बना के या कुछ हलवा बना के किसी दिन आप गरीबों को दान कर सकते हो, ठीक है. या थोड़ा भगवान को चढ़ा दीजिए, थोड़ा आप यहाँ पे चढ़ा दीजिए, ठीक है, गरीबों को चढ़ा दीजिए. साईं बाबा के मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हो पीले रंग का प्रसाद, ठीक है. फिर हमारे पास है इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस. सिचुएशन को थोड़ा मैं पर्सनली देखो नहीं मानती हूँ. सब सिचुएशंस इग्नोर नहीं की जाती हैं, कुछ सिचुएशंस को आपने डील करना होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको आपने इग्नोर करना पड़ता है. अब देखिए, जैसे मेरे चैनल पे कुछ लोग हैं, कुछ भी आलतू फालतू कमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है, और मैं मतलब उनका ध्यान नहीं देती हूँ. आपने मुझे कभी देखा उनके बारे में बात करते हुए वीडियो पे? नहीं करती हूँ ना बात में, क्योंकि मेरी फिलॉसफी है जितना लोग आपको कुछ कमेंट करेंगे, आपको कमेंट करेंगे नीचा दिखाने के लिए, आप ऑलरेडी उनसे ऊपर हो. मैं ऑलरेडी उनसे ऊपर हूँ, मैं और ग्रो करूंगी, मैं और अच्छी वीडियोस लाऊंगी, मैं और सक्सेसफुल बनूंगी. आपने भी ये फिलॉसफी अपनानी है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है. किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, जब भगवान का हाथ है आपके सर के ऊपर तो किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, ठीक है. तो आपने भी ये फिलॉसफी अपनानी है. और एक चीज और, ठीक है, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स. आपकी आप अगर 24 घंटे यही याद करते रहोगे, बोलते रहोगे अरे मेरी जिंदगी में तो इतना दुख है, इतना पेन है, मैं दुखी हूँ, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो आप उस चीज को आप फ्लरिश करवा रहे हो. जिस चीज के बारे में बार बार बात करते हो ना, वही चीज बार बार आप यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हो कि यही चीज दोबारा हो. आपकी कॉन्शियसनेस में वो चीज बस जाती है. आप समझिए इस चीज को. आपने अपने ब्लेसिंग्स के बारे में, काउंट योर ब्लेसिंग्स माय डियर. जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो एक पेपर और पेन लीजिए और उस पर अपनी ब्लेसिंग्स लिखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखिए, आप में क्या क्या गुण हैं, ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स लिखिए, आपके पास क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, ठीक है, आपको अपने आप पता चल जाएगा. फिर हमारे पास है ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल. जो प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हैं, वो आपकी सोल ने, आपकी आत्मा ने वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन किया हुआ है. वो सफरिंग आपकी लिखी हुई है, और उसको अगर आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे, उससे गुजरेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा है. फिर हमारे पास है साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स. ये कार्ड वैसे रिवर्स में आया था, तो उसका मतलब आप बहुत असर्टिव हो रहे हो, साइलेंस में नहीं हो, आपके माइंड बहुत क्योस में है, आप बहुत परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो. कई बार हो सकता है कि आप बहुत गुस्से में कुछ बोल देते हो. अगर ऐसा है तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम मौन रहिए, मौन की साइलेंस की लैंग्वेज समझिए. इससे ज़्यादा पीसफुल कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपको कुछ गलत कह रहा है तो आप साइलेंट हो जाइए, साइलेंस इग्नोर करिए. देखिए, इग्नोर, साइलेंस, ग्रेस, तीनों कार्ड साथ में आए हैं. कोई अगर कुछ गलत डिफिकल्ट सिचुएशन है, डिफिकल्ट पर्सन है, तो उसको आप ग्रेस, साइलेंस और इग्नोर से हैंडल कीजिए, ठीक है. तो ये थी पाइल नंबर
टू की सिचुएशन सॉरी पार्ट नंबर टू के लिए साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस. तो प्लीज़ अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. जिनको अच्छी लगी है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप साईं बाबा की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार, आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स. और मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ गॉड की तरफ से, जिन्होंने इस काबिल बनाया है कि मैं आपको गाइडेंस दे सकूँ. और आप लोगों का इतना प्यार, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन, इतनी ज़्यादा प्यार से मैं आई एम ओवरवेल्म. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, आपकी दुआएं, आपके प्यार, थैंक यू सो मच. ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर थ्री की तरफ. तो ये जिन्होंने इंग्लिश लैवेंडर एसेंशियल ऑयल चूज किया था, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है साईं बाबा की तरफ से. अबंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून. आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अबंडेंस आने वाली है. अबंडेंस कैसे? अबंडेंस पैसे की फॉर्म में, रिलेशनशिप्स की फॉर्म में, प्यार की फॉर्म में. घर पे हार्मनी रहेगी आपके, आपके बिहेवियर में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके बिहेवियर में शांति आएगी, पीस ऑफ माइंड आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे. ठीक है, तो ये अबंडेंस है. ठीक है, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो जॉब मिल सकती है, अगर आप प्यार सर्च कर रहे हो तो प्यार मिल सकता है, अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा मिल सकता है. तो वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है. अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच्ड योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस. आप अपने दुनिया के रोल्स में, आपका मान लीजिए आप मदर हैं, ठीक है, या आप वाइफ हैं, आप वो रोल्स निभाने में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई हैं कि आप भूल रहे हैं कि आपकी सोल का भी कुछ पर्पस है, आपकी आत्मा का कुछ पर्पस है. फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपने लिए टाइम निकालिए, अपने बारे में भी सोचिए, अपनी खुशी के बारे में भी सोचिए, कुछ ऐसा किया कीजिए जिससे आपको भी खुशी हो, आपकी आत्मा को नरिशमेंट मिले, नर्चरिंग मिले आपकी आत्मा को. आपका सोल पर्पस क्या है उसको आइडेंटिफाई कीजिए. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप समझ सकते हो. रिपीटेशन इन लाइफ, लेसन इन दिस लाइफ एंड सब्सिक्वेंट लाइफ आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो ऐसा करते हैं मेरे साथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक लड़की है, उसने बोला कि मुझे ऐसे लड़के क्यों मिलते हैं जो सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, चेज करते हैं, अपना मतलब पूरा करके चले जाते हैं. तो ये क्या है? ये एक पैटर्न है, ये आपके लिए लेसन है. और जब तक वो अपना लेसन नहीं सीखेगी तो वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा, वो लेसन रिपीट होता रहेगा. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही साफ दिल की इंसान है, बहुत ही प्योर है, उसने बहुत पेन देखा है लाइफ में, उसको प्यार चाहिए, उसको ट्रू लव चाहिए, सोलमेट चाहिए, उसको मैरिज चाहिए, वो इतनी अच्छी पर्सन है, पर उसको ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये उसका कार्मिक लेसन है. उन खराब लोगों को उसके जैसे प्योर और अच्छे इंसान की जरूरत है, उसका विजडम के लिए, उसके विजडम के लिए, उसकी प्योरिटी से सीखने के लिए, उसको इंस्पायर होने के लिए, उनको सुधारने के लिए. अब कार्मिक लेसन क्या है उसका, ये तो वही समझ सकती है. ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपको कुछ भी लेसन है, कोई भी पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आइडेंटिफाई कीजिए कि उसके पीछे आपका लेसन क्या है. वो लेसन जब तक आप नहीं सीखोगे वो रिपीट होता रहेगा इस जिंदगी में और अगली जिंदगी में. ठीक है, अब हमारे पास है ग्रोथ. मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ. आपके गुरुजी हैं या आपके घर में बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि बाहर वाले बहुत प्यार से बात करते हैं, आप उनसे ही उनके ही हो जाते हो. आपको ऐसा लगता है कि घर वाले, जो आपके घर वाले हैं, घर में बड़े हैं, आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि वो कड़वा बोलते हैं या वो सुनाते ही रहते हैं, ताने मारते रहते हैं. तो ये आपके लिए, ये साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, मास्टर्स हों, या आपके घर में कुछ एल्डर्स हों, वो हमेशा आपकी क्लिनजिंग, आपकी ग्रोथ के लिए ही आपको वो कड़वी दवा देते हैं. वो जो उनकी कड़वी दवा है ना, वो आपकी सक्सेस के लिए है, आपकी आपको ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो इसके लिए है, आपकी क्लिनजिंग हो, वो उसके लिए वो ऐसा बोलते हैं, उसके लिए जरूरी है ये वो आपसे कहना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि कड़वे पंथे मत जाइए. ठीक है, फिर हमारे पास है बैलेंस. बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. आपके लिए साईं बाबा ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है. अनुलोम विलोम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए. मुझे, आई एम गेटिंग गाइडेंस फॉर कपाल भाती एंड भस्त्रिका.
प्रणाम, तो आप वो कर सकते हो, योगा कर सकते हो, और इससे आपकी एनर्जी में बैलेंस आएगा, ठीक है, इससे आपकी एनर्जी में बैलेंस आएगा, और आपके जो मन जो बहुत विचलित रहता है या मचलता रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर रहती है तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो प्रॉब्लम चली जाएगी। कुछ भी अगर नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही है, घबराहट होती है, कुछ भी अगर आपको नेगेटिव एनर्जी है, मन जो है चंचल रहता है, जो भी है, तो वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, आपका मन शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है इतना प्यार देने के लिए, इतनी अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि वो मैं पहली रीडर हूँ जिनको वो उनकी रीडिंग्स बहुत सच्ची लगती है, उनको बहुत अच्छी लगती है और मैं उनकी फेवरेट रीडर हूँ। थैंक यू सो मच, इतने कम समय में आपने मुझे इतना प्यार दिया, आई एम रियली टच्ड, आई एम रियली ओवरवेल्म, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।